इटावा में हुए सनसनीखेज हत्या के मामले में आईटीआई के छात्र का हत्यारा उसका ही दोस्त निकला। बटपुरा इलाके के अजबपुर गांव में 1 जून को छात्र को गोली मारी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की प्रेमिका से मृतक युवक बात करता था जो उसे बुरा लगता था। आरोपी की प्रेमिका के फोटो मृतक के पास थे जिसके जरिए वह युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से छुटकारा पाने युवक की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी के संबंध में जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर श्री साधुराम, प्रभारी निरीक्षक थाना बड़पुरा व एसओजी की टीम के द्वारा दिनांक 1 जून 2021 को थाना बड़पुरा के अंतर्गत एक युवक जिसका नाम अमन यादव था, सुबह सुबह उसे गोली मार दी गई थी और जिसके उपरांत उसे इलाज के लिए सैफई पीजीआई ले जाया गया और उपचार के ही समय उसकी मृत्यु हो गई थी। आज उक्त घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम रॉक्सी यादव उर्फ नीलेश, जो कि मृतक के ही गांव का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा यह बताया गया कि अमन उसका मित्र था और रॉक्सी उर्फ नीलेश एक लड़की के साथ वह प्रेम करता था और जिसके कुछ फोटोग्राफ्स थे वो अमन के पास थे जो कि मृतक था और उस फोटोग्राफ को लेकर अमन अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। इससे क्षुब्ध होकर रॉक्सी ने अमन को मारने का प्लान बनाया और अमन को मारने के लिए उसको यह पता था कि अमन रोज़ सुबह 4 बजे के आसपास मिर्च बेचने के लिए इटावा मंडी जाता है, इसलिए वह सुबह सुबह उसी रास्ते पर खड़ा था। जब अमन अपने घर से इटावा के लिए निकला तो रास्ते पर वह मिला और उसने बताया कि मुझे भी इटावा चलना है, मुझे भी अपने साथ ले लो। और प्लान के मुताबिक रॉक्सी अमन के मोटरसाइकिल पर बैठ गया और बाहुरी के पास आने पर उसने उसकी मोटरसाइकिल खड़ी करा दी और वहाँ पर फोटो के ब्लैकमेल को लेकर उसने उसके साथ कुछ विवाद किया। और प्लान के मुताबिक इसके पास पहले से ही इसने एक अवैध असलाह ले रखा था जिसने उससे अमन को वहाँ पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद घटना को अन्य रूप देने के लिए उसने घटना स्थल पर एक लेडीज़ चप्पल और एक कान के झुमका वहाँ पर छोड़ दिया। जब पूछताछ से यह पता चला कि यह चप्पल और झुमका दूसरा क्या है तो उसने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए वह पहले ही प्लान कर चुका था और 31 तारीख को रॉक्सी अपने मामी के घर गया और अपने मामी की एक जोड़ी चप्पल और झुमका वहाँ से वो चुरा लाया था। उसी में से उसने एक चप्पल और एक झुमका घटना स्थल पर छोड़ दिया। बाद में अभियुक्त द्वारा दूसरा जो उसकी जोड़ी चप्पल थी और झुमका था उसको भी पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और पुलिस को उसने गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन एक ट्रक पर फेंक दिया। ट्रक जो कि बिहार की तरफ गया उसका लोकेशन भी बिहार का आया था और आज इस घटना का अनावरण किया गया है। अभियुक्त की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और उसके विरुद्ध एक मुकदमा अपराध संख्या 57/21 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भी लिखा गया है और इसकी जो विधिक कार्रवाई